हम समझते हैं कि इस पर ज़्यादा विचलित हो रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, और उनको विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके वो परिवारवाद के एक सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिज्म बन चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया माननीय मोदी जी पर कि उनका परिवार नहीं है, सारा विश्व और सारा देश देख रहे हैं कि सब कह रहा है मैं भी मोदी का परिवार हूं, तो जवाब उनको मिल चुका है, बहुत सारी टिप्पणी की है, मैं नहीं समझता इस पर ज़्यादा बोलने के। राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और पहली बार लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया था, ये चर्चा है। और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उन्हें MLC बनाया गया है, अभी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, पहुँचे थे बिहार विधानसभा और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और लेकिन लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को लेकर उन्होंने हमला किया है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। और इस बात को लेकर संतोष सुमन ने कहा है कि परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं तो विश्व और पूरा देश, देश के प्रधानमंत्री का परिवार है, ये बात संतोष सुमन कहते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर जोरदार हमला किया है कि परिवारवाद की राजनीति वे लोग करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन और वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। रोल में रखा गया, मैं पुनः इसमें काम करूंगा, बाकी चुनाव कोई कार्यकर्ता लड़ेगा वहाँ पर तो भी फैसला हो जाएगा, तय हो जाएगा, उसके बाद आप सबको जानकारी मिलेगा। आप लोग अब क्यों नहीं लड़ेंगे, पार्टी तो लड़ेगी। अच्छा सर, निर्वाचन निर्वाचन होगा या लग रहा वोटिंग क्या? अब इसकी तो भाई हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा गणित है उसमें तो निर्विरोध होना चाहिए, बाकी 11 तारीख को सब क्लियर पता ही चल जाएगा। जी, आपने नामांकन दर्ज कर लिया, क्या लोकसभा की सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब देखिए समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कोई ना कोई कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जरूर लड़ेगा लोकसभा के चुनाव। सीटें मिलेंगी आप लोगों को या फिर? अब हम गठबंधन में हैं तो अब निश्चित तौर पर सीटें मिलेंगी, और इसका चर्चा और इसका परिचर्चा यहाँ नहीं करना है। हम समझते हैं कि आने वाला समय में 2 से 3 4 दिनों सब पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं कि इस पर ज़्यादा विचलित हो रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, और उनको विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके वो परिवारवाद के एक सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिज्म बन चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया माननीय मोदी जी पर कि उनका परिवार नहीं है, सारा विश्व और सारा देश देख रहे हैं कि सब कह रहा है मैं भी मोदी का परिवार हूं, तो जवाब उनको मिल चुका है, बहुत सारी टिप्पणी की है, मैं नहीं समझता इस पर ज़्यादा बोलने के लिए रखा गया, मैं पुनः इसमें काम करूंगा, बाकी चुनाव कोई कार्यकर्ता लड़ेगा वहां पर तो भी फैसला हो जाएगा, तय हो जाएगा, उसके बाद आप सबको जानकारी मिलेगा। आप लोग अब क्यों नहीं लड़ेंगे, पार्टी तो लड़ेगी। अच्छा सर, निर्वाचन होगा या लग रहा वोटिंग क्या? अब इसकी तो भाई हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा गणित है उसमें तो निर्विरोध होना चाहिए, बाकी 11 तारीख को सब क्लियर पता ही चल जाएगा। जी, आपने नामांकन दर्ज कर लिया, क्या लोकसभा की सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब देखिए समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कोई ना कोई कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जरूर लड़ेगा लोकसभा के चुनाव। सीटें मिलेंगी आप लोगों को या फिर? अब हम गठबंधन में हैं तो अब निश्चित तौर पर सीटें मिलेगी, और इसका चर्चा और इसका परिचर्चा यहाँ नहीं करना है। हम समझते हैं कि आने वाला समय में 2 से 3 4 दिनों सब पता चल जाएगा। परिवारवाद को लेकर लगातार हल्ला हो रहा है, इसको किस पर क्या कहने हैं? अब